स्टूडेंट आई एम कंदना, फैकल्टी ऑफ सियोर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे क्लास 7 का जीके का चैप्टर 3 है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब निर्माण। जैसे हमारा जो इंडियन भारतीय संविधान जब बना था, उसको निर्माण कैसे किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टेट इंडिया सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ मई 16, 1946। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। कब? तो ये 16 मई 1946 में बनाया गया था। तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संरचना ऑफ मतलब भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 385 मेंबर्स। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर होते हैं? तो 385 मेंबर होते हैं, ऑफ विच 292 वेयर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर। और जिसमें से 292 जो होते हैं, उनको लोग चुनते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं फॉर द प्रोविनेंशियल मतलब लीगली उनको क्या किया जाता है, मतलब जैसे आप लोग समझते हो कि जिसको वोट देते हैं। तो जो 385 जो असेंबली में मेंबर होते हैं, ठीक है, उसको उसमें से 292 को लोग क्या करते हैं, वोट दे करके उनको चुनते हैं। वाइल 93 मेंबर वेयर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। और जो बाकी के 93 मेंबर हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, मतलब राज्यों के द्वारा। दीज वेयर टू बी एडेड अ रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द फोर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। और यहाँ पे जो है, दिस वेयर टू बी एडेड अ रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द फोर चीफ कमिश्नर्स। और यहाँ पे जो राज्य हैं, जो जिनको राज्य द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उसको चार चीफ कमिश्नर्स के द्वारा बनाया जाता है। जैसे वो चार चीफ कमिश्नर्स कौन कौन है? तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान है यहाँ। उसके बाद है ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वेयर अलॉटेड द टोटल नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to 1 million। और यहाँ पे जितने भी सीट बनाए जाते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, उनको उनके राज्य की जनसंख्या, मतलब उनके राज्य का पॉपुलेशन क्या है, उनके राज्य की जनसंख्या क्या है, उसके द्वारा उसको उस रेशियो में सीट दिया जाता है। जैसे 1 से लेकर के मिलियन तक, मिलियन के रेशियो में उनको सीट दिया जाता है। और ये सीट उनको उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल, मतलब ये पॉपुलेशन के अनुसार दिया जाता है। उसके बाद बी एन राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली। और बी एन राय जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइज़र है, मतलब जो एडवाइस करते हैं, जो निर्देश देते हैं, वो हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946 विथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज इट्स इंटरीम प्रेसिडेंट। और यहाँ पे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946 विथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो फर्स्ट मीटिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कब किया गया था? 9 दिसंबर को 1946 में किया गया था। किनके साथ? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ। उसके बाद है एज इट्स इंटरीम प्रेसिडेंट। और इनको इंटरीम प्रेसिडेंट के द्वारा ट्रीट, मतलब उसी पद पे इनसे मीटिंग किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज इट प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब प्रेसिडेंट के लिए घोषित किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। द असेंबली हैड 13 कमिटी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने असेंबली की ज़रूरत थी? कितने कमिटी की ज़रूरत थी असेंबली में? 13 कमिटी की। उसके बाद द ऑल इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटी विच बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर जुलाई 1946 टू सेप्टेम्बर 1948 वॉज फॉर्म ऑन 29 अगस्त 1947। यहाँ पे द ऑल इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमिटी, और जितने भी ड्राफ्टिंग कमिटी के इम्पोर्टेंट
भाग थे विच बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, और इन सब को लिए जो संवैधानिक डॉक्यूमेंट मतलब जो संवैधानिक खाते थे जो पेपर थे उनके लिए क्या किया गया था, रिस्पॉन्सिबिल मतलब उनको जिम्मेदारी दिया गया था। द रिसेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर जुलाई 1947 टू सितंबर 1948, और इस सब के लिए इस सब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कब तक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया था, तो जुलाई 1947 से लेकर के सितंबर 1948 तक। उसके बाद बस फॉर्म ऑन 29 अगस्त 1947, और उसके बाद से मतलब आप लोग बोल सकते हो कि फॉर्म ऑफ 29 अगस्त 1947 इट मेंबर वेयर, और इसमें जितने भी लोग थे मतलब जितने भी लोग इस डॉक्यूमेंट के मतलब डॉक्यूमेंट के ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे उनमें से नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया था, तो चेयरमैन के लिए। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयांगर को अयांगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जूरिस्ट थे, के एम मुंशी जूरिस्ट थे, सैयद मोहम्मद अमाद सदुल्ला, एन माधव राव इन प्लेस ऑफ बी एल मित्रा, एन माधव राव जो थे वो बी एल मित्रा के जगह पे इनको चुना गया था। उसके बाद है डीपी खैतान टी कृष्णा सॉरी कृष्णा मचारी आफ्टर खैतान्स डेथ इन 1948, और जो खैतान्स डेथ हो गया था उसके डेथ होने के बाद जो 1948 में हुआ था उसके जगह पे डीपी खैतान को उनके जगह पे उनका पद दिया गया था। इट वाज फाइनली पास्ड एंड इट एक्सेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और इस चीज़ को ये पास कर गए थे कब और एक्सेप्ट कर लिए थे इस पद को, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ना और समझना, और इसमें से जो भी आप लोगों को मेन पॉइंट लगे उसको समझ करके अपने कॉपी में नोट करके उसको याद कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।